सोच कि हम बहुत मेहनत करके हम बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे या तो अपने हैं, तो आप सोच रहे कि मेरा सिर्फ हार्डवेयर काम करें। लेकिन हम लोगों का मानना है दोस्त, मैं पिछले अपने 20 साल के अनुभव से आपको कह रहा हूँ कि जब तक आप सॉफ्टवेयर को ट्यून्ड नहीं करेंगे, जब तक सॉफ्टवेयर सही कमांड नहीं देगा, आपका हार्डवेयर सही से काम ही नहीं करेगा। और बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो तंदुरुस्त हैं, हट्टे खट्टे हैं शारीरिक रूप से, लेकिन आप देखिए उनकी जिंदगी बड़ी समझ, हार्डवेयर उनका ठीक है लेकिन सॉफ्टवेयर उनका काम नहीं कर पा रहा है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ दोस्त, अपने सॉफ्टवेयर को आज कमांड दीजिए। और आपका सॉफ्टवेयर सुनेगा किसका? मैं बोल रहा हूँ, मेरा बात नहीं सुनेगा आपका सॉफ्टवेयर। आपका सॉफ्टवेयर आपका वॉइस कमांड समझता है, आप जब बोलिएगा ना आपका सॉफ्टवेयर एक्टिवेट होता है। तो आज बहुत ही खातम खास दिन है दोस्त, और आज बहुत अच्छे तरीके से सुप्रियो ने मौका को आपके सामने प्रेजेंट किया है। मौका ध्यान से समझिए, मौका क्या है। आप सब लोग जहां बैठे हुए हैं, आप कुछ सवालों का जवाब को ढूंढने का कोशिश कीजिए। क्या आपके आस पड़ोस या आपके परिवार में कोई ऐसा घर दिख रहा है जिसमें लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ाई को इग्नोर करना चाहेंगे? सारे लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहते होंगे, इंग्लिश सीखना चाहते होंगे, कंप्यूटर सीखना चाहते होंगे, बच्चों की पढ़ाई चाहते होंगे। आप अपने आस पास अड़ोस पड़ोस, इवन आप अपने दुश्मन को भी, अगर आपका दुश्मन कोई है उसके घर को भी देखिएगा, उसके घर में क्या एक्स्ट्रा इनकम नहीं कमाना चाहता है। आप आएंगे दोस्त, लोग कमाना चाहते हैं। और अगर आपको जवाब मिल रहा है तो अपने सॉफ्टवेयर को ऑर्डर कीजिए। मौका है, ये मौका मिला है, मौका पर मैं चौका मारूंगा, ये खुद से बोलना पड़ेगा, देन योर सॉफ्टवेयर विल एक्टिवेटेड एंड इट विल वर्क। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जो लोग आज बैठे हैं, आज प्रभु श्री राम का दिन है और उनके मर्जी के बगैर हम और आप संवाद नहीं कर सकते थे, तो अगर हम और आप संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आप इन शब्दों को खुद से चेक कीजिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या उसमें कुछ गड़बड़ी है। अगर गड़बड़ी है तो उसे छोड़ दीजिए, लेकिन अगर सही आपको लगे, जो आपका दिल लेफ्ट में है दोस्त, उससे पूछिए, वो हमेशा राइट बोलता है। अगर आपको सही लग रहा है तो सिर्फ सुन के छोड़ मत दीजिएगा, इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करने का अपने आप से बात कीजिएगा। हम सब लोग जिंदगी में मिराकल चाहते हैं कि कुछ ऐसा घटना हो, मिराकल हो जाए। दोस्त मिराकल होता है, लेकिन उसके लिए आपको मिराकल करना पड़ेगा ना, तो अपने से तो नहीं होगा। मिराकल करने के लिए दोस्त आपको सबसे पहले मिराकल कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। एंड माई डियर फ्रेंड, मिराकल हैपन व्हेन यू रिफ्यूज टू गिव अप। मिराकल तब तक नहीं होगा जब आप ना कर देंगे, कुछ अपॉर्चुनिटी को गिव अप करना शुरू कर देते हैं, छोड़ देते यार हमसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ। मिराकल हैपन व्हेन यू रिफ्यूज टू गिव अप, एंड आई माय डियर फ्रेंड नेवर चेंज माय विल, आई अट्रैक्ट। आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा दोस्त कि आप जो चाहते हैं। अगर आप कार चाहते हैं तो पहले कार वाले का मेंटालिटी बना लीजिए, कार अपने आप आपसे पीछे आ जाएगा। आप जो चाहते हैं पहले आप वो बन जाइए। अगर आप पैसा वाला बनना चाहते हैं, आप पहले पैसे वाले बनने जैसा बन तो जाइए, पैसा अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं दोस्त, हम सोचते हैं कि पहले आ जाए तब हम फिर कुछ करते हैं, जबकि सच्चाई दोस्त ये है, पहले आपको बदलना पड़ेगा अपनी सोच। दुनिया इंटरनेट पे आ गई है, दुनिया डायरेक्ट सेलिंग को सैल्यूट कर रहा है, और हम हमारा निगाह से देखने का कोशिश कर रहे हैं ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो तक मत कीजिए, 21वीं सदी में हम लोग हैं, 21वीं सदी का क्रांति है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, आप जाइए गूगल करके देखिए कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, आपको सारा चीज पता चल जाएगा। कुछ नेगेटिव भी बोलनी है, कुछ पॉजिटिव भी बोलनी है, अपने दिमाग से स्ट्रॉन्ग माइंड से आपको समझने की जरूरत है कि पॉजिटिव वाला कौन पार्ट में लेना है या नेगेटिव वाला पार्ट लेना है, ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा दोस्त। तो आपके पास मौका है दोस्त, हम लोगों को मौका मिला था और हम लोगों ने अट्रैक्ट किया। ये गाड़ी आज नहीं है, ये रंजन सर, ये गाड़ी इन्होंने अपने आप को
लायक बना दिया कार्य अपने आपके पास आ गया, तो अट्रैक्ट कीजिए आपके पास वो आ जाएगा। तो दोस्त ये मौका आपको मिलता है अगर आप चाहते, जितने लोग बैठे हुए हैं आप सबके पास आज ही वही मौका मिला है तो आज से 21 साल पहले मुझे सर के पास था, तो सर के पास था, हमारे मनीष सर के पास था, आज आप आज आप मेरा कल करना चाहते हैं तो आपको पहले अट्रैक्ट करना पड़ेगा अपने सपनों को, आपको उस लाइक बनना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं कैसे करूंगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैसे पैसा इतना कमाया जा सकता, नहीं पॉसिबल है। तो मैं शुरू में आपसे बात किया, ये सारा माइंड सेटअप का गेम है, और अगर आप में से मैक्सिमम लोगों को हम लोग ये सिखाया नहीं गया है, लेकिन मैं आपसे आज वो शेयर करना चाहूंगा आप जरूर, क्योंकि मैं 20 साल में जो सीखा हूँ दोस्त वो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। आप यदि रोज पैसे चाहिए आपको तो मजदूरी कीजिए, रोज पैसे आएंगे, ऐसे महीने में चाहिए नौकरी करिए, लेकिन अगर यदि जीवन भर कोरोना आए कुछ आए अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा सर। और हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है बिजनेस आम आदमी नहीं है, उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये हमारे दिमाग में भर दिया गया है। तो गाना दोस्त आप सब लोग जानते हैं सुने होंगे, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम दिल के नई कहानी। वो पुराने दौर की बात छोड़ो, बिजनेस के लिए बहुत पैसा लगता है, आज की बात है बिजनेस पैसे से नहीं बिजनेस आइडिया से चलता है। And get the idea, get an idea, my dear friend. और एक आइडिया आपसे हम लोग आज शेयर किए हैं, जिस आइडिया पे हम पिछले 21 साल से चल रहे हैं, 21 साल से हम उस आइडिया पे चल रहे हैं, हम आपके पास हाथ बढ़ा के लेके आए हैं, आइए आप भी हमारे साथ इस आइडिया से चलिए। हमने जो पाया है शानदार सा लाइफ स्टाइल, शानदार सा जिंदगी, वो आपको भी मिल सकता है माई डियर फ्रेंड। पैसों से बिजनेस नहीं चलता है, लोग कह रहे हैं कि उसके लिए अनुभव होना चाहिए, बिल्कुल सही कहते हैं अनुभव होना चाहिए, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, वो आप ही के पास होना चाहिए। जिनके पास अनुभव है आप उनके साथ जुड़ जाइए, आपके पास अनुभव आ गया। अब हम लोग के साथ आ जाए, हमारे पास 21 साल का अनुभव है, हम मैंने फैमिली में काम करते हैं, हम जो सीखे वो आपको बताते हैं। तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा दोस्त, आपको रोज पैसा चाहिए, महीने में चाहिए या जिंदगी भर चाहिए। अगर आप जो चाहेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा, सोचने वाली बात है, कोई बहुत बड़ा मतलब कि कोई मिराकल नहीं है दोस्त, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। आप सब लोग, मैं पटना का रहने वाला हूँ तो पटना में बगल में गंगा जी है, तो आप सब लोग कभी आप लोग स्विमिंग पूल में नहाए कि मैं तो गंगा जी में तैरना सीखा हूँ। एक पॉइंट मैं हमेशा देखा हूँ कि आप सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं, अगर आपको तैरना सिखाया नहीं जाएगा तो आप डूब जाएंगे मार दिया, लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग दे दी जाए तो आप तैरने लगेंगे। इस सिस्टम में आप समझिए कि सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको पैसा कैसे आएगा, ये सोचिए कि यार हम इन लोगों के साथ मिलकर सीख जाएंगे। आप अगर सीखने को तैयार हैं, हम आपको सिखाने को तैयार हैं, ये सोचिए माइंड में विदाउट ट्रेनिंग। अगर आप सोचिए किसी में पैसा लगा दिए और मेरी जिंदगी बदल जाएगी, आई एम सॉरी माय डियर फ्रेंड, ये कोई स्कीम नहीं है, ये आपके पास एक बहुत ही सही बिजनेस है, जो अगर हम ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हो जाए तो हमारा बिजनेस हमारा सही हो सकता है। हम लोग सीखे हैं और मैं आपको बता देते इतना आसान है इसे करना, सीखना क्या है, बातचीत करना, जो हम जन्म से जानते हैं बस उसको सही से सिस्टमेटिक बात करना है। इसके बारे में बात करना, अभी तक हम लोग अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या, कैटरीना, दिशा पाटनी, आलिया भट्ट के बारे में बात कर रहे थे, मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, नारायण मूर्ति, सचिन तेंदुलकर, इन लोगों के बारे में बात कर रहे थे, सानिया मिर्जा, अब हम बात करते हैं माइडिया पीयूष ऑफ के बारे में, कुमार मनीष्टर के बारे में, सुनीता चौधरी के बारे में, सुप्रियों के बारे में, सुधांशु सर के बारे में, रविंद्र के बारे में, अब हम इनकी बात करें, क्योंकि इनकी बातें करने से हमारा सिस्टम बनता है। तो ये थोड़ा सा हमने चेंज किया, बड़ा चेंज नहीं किया दोस्त। आप सब लोग स्टूडेंट्स हैं, पढ़े होंगे,
आप ध्यान से देखिए, जब प्लस का साइन होता है ना एकदम सीधा रहता है, प्लस ऐसे रहता है, और इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिएगा तो मल्टीप्लीकेशन का साइन हो जाता है, थोड़ा सा खाली घुमा देना। आप प्लस करना चाहते हैं कि मल्टीप्लाई करना चाहते हैं? हम सब जानते हैं 4 + 4 = 8 होता है, लेकिन 4 × 4 = 16 होता है। थोड़ा सा आप टर्न करेंगे, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएंगे, आपका रिजल्ट बदलने लगेगा। अगर आप रिजल्ट बदलना चाहते हैं तो थोड़ा सा सिस्टम को टर्न दीजिए। जो कर रहे थे और आज जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, बस गौर से देखिएगा दोस्त, वही चीज हम पहले कर रहे हैं, कुछ नया करने नहीं जा रहे हैं। मैं पहले, मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैं स्टूडेंट था, मैं पटना में पढ़ाई करता था, आईटी था, कंप्यूटर का कोर्स था, तो मैं हैदराबाद जब गया पढ़ने के लिए, मैंने अपने साथ 2-3 दोस्त को भी लेके एडमिशन करवाया एनआईटी में। आप बिलीव करें, एनआईटी वाले ने मुझे 1 रुपया तक नहीं दिया, 18 मार्क्स तक नहीं दिया। मैंने उनका लाखों बिजनेस करवा दिया था। उस वक्त स्कूल में जब कॉलेज थे, मूवी देखते जाते थे, देख के आते थे, 10 दोस्तों को बताते थे, यार बहुत शानदार मूवी है, 10 दोस्त जाकर फिर मूवी देखते हैं। मैं शाहरुख खान का बंगला करवा दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन जब ये सिस्टम मिल गया तो मैं समझ गया कि मुझे क्यों अपने ऐसे चीजों का रिकमेंड करें जहां तक हमें लाभ हो, और दोस्त वो चीज हमें नहीं दिया था, वो पावर हमें दे दिया था सिस्टम ने। आप सब लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर इसका इस्तेमाल अगर हम सही से करना सीख जाए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक चीज आपसे बातें करना चाहूंगा, जी बहुत समय आपका ले लिया हूं, बस एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में, बस इस छोड़िएगा मत, अगर आप इस बात को समझ जाए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। माय डियर फ्रेंड, समय या समय तो एक साथ किस्मत वालों को मिलती है, क्योंकि तो अक्सर समय पर समझ नहीं आती, समझ आने पर समय निकल जाता है। जी तो ये लाइफ का बहुत बड़ी विडंबना है, सही समय पे हमें समझ नहीं आती है, अगर समझ आती है तो समय निकल जाती है। जब स्कूल में था, एग्जाम देता था, जब रिजल्ट हाँ आता था, समझ में आता था, थोड़ा सा और मेहनत कर देते ना, मेरा मार्क्स अच्छा आता। लेकिन वो समझ आया मुझे रिजल्ट पाने, जबकि ये समझ मुझे आना चाहिए था एग्जामिनेशन के पहले। माय डियर फ्रेंड, थैंक्स करता हूँ सिस्टम का, हमें इस बार जो समझ आया बिल्कुल सही समय पे आ गया था। और आप लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्त, तो जो मैं गलती किया हूँ आप ना करें। मैं कॉलेज में, स्कूल में ये गलतियां बहुत बार कर चुका हूँ, प्लीज आप लोग गलती ना करें। मैं तो सही समय पर समझ लाइए, हम लोगों ने जब समय टाइम मिला हमने अपने आप को ऑर्डर किया, हम यार ये सिस्टम करते हैं, आने वाला समय में रॉक करेगा। थैंक करता हूँ अपने परम परमेश्वर जिसने हमें उस सदबुद्धि दे दी और हम लोगों ने डिसीजन लेने करना शुरू कर दिया। अब मौका आपके पास है, आज आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, अब समय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अभी आपने देखा एक शानदार सा गाड़ी हम लोग के बीच में रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी चीजें नहीं, छोटी चीजें भी अचीवमेंट होती है। हम लोग के साथ एक स्टार ब्रिटेन स्टेट है जिन्होंने आज अपना बाइक भी लिया है, तो अगर सुधाकर जी है हम लोग बीच में तो मैं चाहूंगा कि उनको भी स्पॉटलाइट डाला जाए, और सुधाकर जी से भी मैं मिलवाना चाहूंगा।